अगर इस पे थोड़ा ध्यान दे ब्रांड तो भाई आपका प्राइस कितना, तो भाई इसका प्राइस जो है वो है। तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक नई वीडियो में। जैसा कि तुम्हें पता है आजकल हर एक बंदा ओल्ड मनी पहन रहा है। ओल्ड मनी इतना ज़्यादा ट्रेंड में कि हर दूसरा बंदा तुम्हें ओल्ड मनी पहने हुए दिख जाएगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि फुटवेयर में क्या पहनना चाहिए। हाँ, जिसे पता है उसे अच्छी बात है भाई, जिसे नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है, वो लोग देख ले। तो भाई बस तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फुटवेयर के लिए लेकर आ गया ओल्ड मनी में। ये ऐसा शूज़ है कि तुम्हारे हर एक आउटफिट के साथ जाएगा। तो भाई मैं जिस शूज़ की बात कर रहा हूँ वो है एक लोफर शूज़। और मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट करा है ना, तब से मैंने एक भी वीडियो लोफर शूज़ के ऊपर नहीं डाली है। तो बस आज वो रिव्यू कर देंगे भाई लोफर शूज़ का भी। चलो खोलते हैं इसे और देखते हैं तुम्हारे साथ में। तो इसके बॉक्स की क्वालिटी तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही है, मेरे को इतना खास लगा नहीं है। ये फट गया, देख सकते हो तुम इसका ढक्कन। शूज़ भाई साहब, शूज़ इतनी अच्छी तरीके से पैकिंग होकर आ रखा है ना, देख सकते हो तुम, देख रहे हो। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे को बॉक्स से लेना देना नहीं है अब, क्योंकि यार अंदर का प्रोडक्ट अच्छा होना तो बॉक्स वगैरह सब भूल ही जाता है इंसान। तो ये देख सकते हो तुम कितने अच्छे से पैकिंग करके दे रखा है। दोनों शूज़ ऐसे ही दे रखे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही दे रखा होगा, देख सकते हो तुम बहुत ही अच्छे से पैक करके दे रखा। तो भाई चलो इसे निकाल के देखते हैं। ओए होए 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 भाई, तुम देख सकते हो क्या सेक्सी लग रहा है भाई। तो भाई बात करते हैं पर्टिकुलर शूज़ की। तो सबसे पहले कलर देखो तुम, ब्लैक कलर है, बहुत ही क्लासी कलर है भाई। ऐसी कोई आउटफिट नहीं होगी जो इसके साथ नहीं जाएगी। मैंने शुरू में बोला था ना, फॉर्मल ले लो, सेमी फॉर्मल ले लो, कैजुअल ले लो, किसी के भी साथ पहनो अच्छा ही लगेगा ये शूज़। और कलर ऐसा है हर आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा, हर आउटफिट के साथ जाएगा। तो कलर मैंने सोच समझ के ऑर्डर किया है। और भाई तुम में से बहुत से लोग इसे लोफर के नाम से जानते होंगे ये उसको, बट ऐसा नहीं है, लोफर है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं लोफर नहीं है, बट इसका जो नाम है वो है टैसल लोफर। तुम देख सकते हो इसमें दो ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखे ना, तो बस इसी की वजह से ये टैसल लोफर है। अगर ये ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं होती इसमें तो खाली लोफर होता, बस इतना ही फर्क है। ऐसा कुछ साइंस नहीं है इसके पीछे की, बिल्कुल तुम समझ ही ना पाओ। तो यही है बस, जो थोड़ी सी डिटेल थी मैंने बता दी। और भाई बात करूं मैं ये शूज़ की स्टिचिंग की, तो नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ भाई। देख सकते हो तुम कितनी प्रॉपर करी हुई है भाई, मतलब लगता है कि काम करा हुआ है अच्छे से भाई, देख सकते हो। और ओल्ड मनी में ना यही चाहिए होता है भाई, नीट एंड क्लीन रहे, मतलब एकदम मिनिमल सी रहे, एकदम बेसिक एंड क्लीन रहे बस। तो देख सकते हो तुम भाई कितना सही लग रहा है भाई स्टिचिंग में। एक भी धागा तुम्हें इधर से उधर नहीं मिलने का, कोई धागा मतलब छोटा या बड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, एकदम प्रॉपर जैसे होती है स्टिचिंग, मतलब काम होता है ना जैसे कि अच्छे से मन से करा हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा भाई तुम्हें इसमें। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगती है भाई शूज़ वगैरह में, कि स्टिचिंग वगैरह एकदम प्रॉपर रहती है भाई। स्टिचिंग की बात हो ही रही है तो मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे। ये देख सकते हो तुम सोल के पास यहाँ स्टिचिंग वाला पैटर्न दे रखा है ना भाई, ये स्टिचिंग है नहीं, ये डिजाइन दे रखा है बस, बाकी ये चिपका ग्लू से ही है बस। यार ये चीज़ एक सही कर देते ना, मैंने यार बहुत से लोफर देखे हैं कि ग्लू से चिपका देते हैं। बाकी स्टिचिंग वाले चाहिए तो महंगे की तरफ जाना ही पड़ेगा तुम्हें, इस प्राइस रेंज में तो इतना ही मिलेगा भाई। प्राइस भी बताऊँगा मैं आगे, ठीक है। बट यार एक थोड़ी सी ये चीज़ ठीक हो जाए ना लोफर्स वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा लोग। तो भाई बात करूँ मैं ये शूज़ के मटेरियल की, तो इसमें जो यूज़ हो रखा है वो सिंथेटिक लेदर यूज़ हो रखा है, इस प्राइस रेंज में यही मिलेगा भाई। और ओरिजिनल लेना है तो वो भाई तुम ले सकते हो, मेरे तो यही मानना है। अगर तुम्हारा ओरिजिनल का बजट है ना 4-5 हज़ार से स्टार्ट ही होता है तो भाई वो ले सकते हो, वो तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और भाई एक और चीज़ बता दो तुम्हें ये लोफर के बारे में, ये साइड साइड में देख रहे हो तुम, इसमें तुम्हें कोई पैडिंग नहीं मिलने वाली। आई थिंक मेरे हिसाब से होती भी नहीं है पैडिंग, शायद महंगे वाले में वो अलग बात है, पहना नहीं है आज तक इतना महंगा। तो ये मेरा वैसे भी दूसरा शूज़ है लाइफ का, एक मैंने इससे पहले भी लिया था, उसमें भी नहीं थी, बट मेरे को ऐसे कोई इरिटेट फील नहीं हुआ पहन के उसे, मैं पूरा पूरा दिन पहनता था। और भाई बात करूँ ये लोफर के इनसोल की, तो भाई बिल्कुल भी जान नहीं इसमें, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, तुम्हें बहुत ही मतलब पूरा दिन पहन ही नहीं पाओगे तुम, ऐसा हो जाएगा। तुम ये ना ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम पहन सकते हो, उसके बाद तुम्हारे पैर दर्द होने लग जाएंगे या इरिटेट फील होने लग जाएगा तुम्हें सोल की साइड से। तो तुम्हें अलग से मेमोरी फोम डालना पड़ेगा इसके अंदर लेके, तब पहन सकते हो, बाकी तो ऐसे तुम सिंपल नहीं पहन पाओगे भाई। जो भी है ये थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, अगर इस पे थोड़ा ध्यान दे ब्रांड
तो भाई अच्छा चल सकता है सोच, क्योंकि क्लास ही है यार इतना ज़्यादा, बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है इन्हें, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया भाई, कंफर्टेबल नहीं है शूज़ अंदर से, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। और भाई बात करूँ मैं इसके आउटर सोल की, तो इसमें रबराइज सोल दे रखी है, दबरी है आसानी से, बट ऐसा नहीं है दबरी है कि तुम सोचो कि बिल्कुल ही ख़त्म सोल है भाई, ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं है, अच्छी है, मतलब मिड क्वालिटी है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही अच्छी है, या ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही ख़राब है, एक बीच में होता है ना जो, वो तो डिसेंट क्वालिटी बोलते हैं, तो वो है, अच्छी है, चल जाएगी भाई ठीक ठाक। और देख सकते हो एक्स एक्स वाला पैटर्न दे रखा है ताकि ग्रिप बनी रहे, फिसलो ना तुम। और उनके लिए सबसे अच्छी बात बताता हूँ जिनकी हाइट छोटी है, इसमें हील दे रखी है, सबसे बढ़िया बात, देख सकते हो तुम 1 इंच की हील है, तो 1 इंच तो तुम्हारी हाइट थोड़ी बड़ी लगेगी भाई। और भाई लोफर ख़रीदने का ना एक रूल है, हमेशा ध्यान रखना ये रूल, शायद तुम में से बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना ये रूल, ठीक है, लोफर खरीदते हुए खासकर, जब भी तुम लोफर खरीदो जो तुम्हारा साइज़ है ना उससे एक साइज छोटा खरीदो, क्योंकि लोफर हमेशा लूज़ होता है यहाँ से, और फिर तुम चलोगे ना तो वो यहाँ से तुम्हारे पैर निकलेगा बाहर, तो हमेशा एक साइज छोटा लेना, तुम्हें 1 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, 2 दिन हो जाएगी, बट तीसरे चौथे दिन से वो खुलने लगेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो हमेशा ध्यान रखना लोफर एक साइज छोटा खरीदना, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो भाई बात करते हैं ये शूज़ के प्राइस की, इसका प्राइस कितना, तुम लोग भी बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि इसका प्राइस कितना, तो भाई इसका प्राइस जो है वो है 1000 रुपये, अगर तुम्हें बाय करना है 1000 रुपये में, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम कर सकते हो। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो भाई मेरे को वर्थ इट लगा है शूज़, कोई बुराई नहीं है ऐसी, बस एक इनसोल वाली वो है, तो वो मेमोरी फोम तुम बाजार से लेके डाल सकते हो इसमें, बाकी तो भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगा है, कलर तुम खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लासी है, एंड भाई ओल्ड मनी में तो बहुत ही जहर लगने वाला है। तो भाई तुम्हारा मन हो बाय करने का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम बाय कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर वीडियो में तुम्हें कोई भी डाउट लगा इस शूज़ से रिलेटेड, या और कुछ भी डाउट लगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ तुम पूछ सकते हो। तो भाई ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे नई नई वीडियो की। और यार क्या कर रहे हो, 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवा रहे यार तुम लोग, जल्दी करवा दो यार, फिर सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।